सर नमस्ते। उसने कोचिंग अटेंड किया हमने? नहीं सर। तो प्रोसिक्यूशन में कौन है आपके अधिकारी? सर मेरे अधिकारी है श्री जगमोहन जी। मैं क्या क्या कार्य होता है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में? सर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का जो एपीओ होते हैं उनका प्रमुख कार्य तो होता है पुलिस रिपोर्ट की समीक्षा करना, और उसके बाद में जैसे चालान केस होता है तो उसको सबमिट करना, और सरकार की तरफ से पे भी करना। और ब्रीफ बनाते हैं क्या? हाँ सर। ब्रीफ बनाने का पहले तो बीच में ख़त्म हो जाएगा? हाँ सर बीच में खत्म हो गया। तो दोबारा चलोगे? हाँ सर। ब्रीफ बनाने क्या फायदा? सर ब्रीफ बनाने का फायदा है कि उससे जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है उसमें जो कमियाँ रह जाती है तो उनकी पूर्ति हो जाती है। अगर पुलिस वाले कमियों को पूर्ति नहीं करे तो क्या कोई प्रावधान है क्या एपी पास के लिए? सर वो जैसे चालान पेश करेंगे तो उससे पूर्व सबमिट करवाते हैं, तो सबमिट जैसे पूर्ति नहीं करके लाते तो वापस लौटा देते हैं उनको कमी पूर्ति वापस करके। और DYSP ने CEO ने लिख दिया है पटक चालान तो हो सकता है? हाँ सर डायरेक्टर से तो साफ भी कर सकते हैं। तो आप बताइए जो है कोर्ट में जाते हो? हाँ सर। अच्छा, चालान पेश होने के बाद क्या प्रक्रिया रहती है? सर चालान पेश होने के बाद में जैसे अभियुक्त उपस्थित है उसको आरोप सारांश सुनाया जाता है। जैसे वो अगर आरोप सारांश पे वो उसको ये बताता है कि उसको पूछा जाता है कि आरोप सुनाते हैं या सारांश सुनाते हैं? आरोप का सारांश सुनाएंगे सर, आरोप का ब्रीफ रूप में सुनाएंगे उसको। नहीं आरोप कब सुनाएंगे और सारांश कब सुनाएंगे ऐसा कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, उसके बाद में आरोप लगाते हैं फिर क्या होता है? आरोप लगाने के बाद में उससे पूछा जाता है कि आप इसमें आरोप आपके ऊपर लगाया गया है आप इसे स्वीकार करते हैं? अगर वो स्वीकार करता है तो उसे दोष सिद्ध कर दिया जाता है, और अगर वो अस्वीकार करता है या तो अनिच्छा चाहता है वो कि विचारण हो तो उसके बाद में विचारण के लिए। अच्छा, अभी जो साफ होने के बाद में कंप्लीट होने के बाद में क्या प्रक्रिया रहती है? अभी जन के सारे गवाह हो गए उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज क्या आती है? अभी जन के सारे गवाह हो गए, मान लो लिस्ट में 12 गवाह हैं, पूरे बयान हो गए, अब नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी? बहस करेंगे। सीधा बहस हो जाएगी? सर प्रतिवादी के बहस होती है। सर प्रतिवादी ही होता है? नहीं सर इसमें नहीं होता। नहीं होता ना, तो उसमें बयान मुझे होता है? बयान मुझे होता है। साक्ष के बाद में कंप्लीट के बयान मुझे होता है? सॉरी सर इस समय में आपको एग्जिट ना दो। बयान मुझे तो आप तो प्रोसिक्यूशन में रहते हो? सर रहता हूँ लेकिन वो कोर्ट में जाना कम ही होता है। कोर्ट में नहीं आता तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा ना? हाँ सर पढ़ाई। अच्छा बताइए तो बयान मुझे की क्या इम्पोर्टेंस है पता है कुछ? साफ सफाई पेश करने का मौका मिलता है अभियुक्त को? साफ सफाई का मौका मिलता है? फिर बहस हो जाती है, फिर निर्णय हो जाता है। अगर मान लो मुलजिम को सजा हो गई, मान लो 3 साल की सजा हो गई, तो क्या अधिकार है मुलजिम को? सजा होगी क्या जेल भेज देंगे मजिस्ट्रेट को? सीधा ही तो कोई 389 को सजा सस्पेंशन भी दे देता है? अच्छा, सिविल प्रक्रिया संहिता सिविल सीरीज पढ़ी आपने? हाँ सर। ऑर्डर 1 रूल 10 क्या है? इश्यूज क्या होता है? तनकी तनकी होता है ना? विवाद क्या होता है? सर किसी भी बात के संबंध में वादी द्वारा तो किसी तथ्य बताए जाते हैं जिन पर उसका वाद निर्भर करता है, और उनको उसको सिद्ध करना होता है जब भी उसका वाद सफल होगा वो तथ्य ही इश्यूज होते हैं। नहीं इश्यू जो बनते हैं ना, जैसे मान लो वादी ने दावा पेश किया, प्रतिवादी ने जवाब दावा पेश किया, उसके बाद इश्यू बनते हैं? पहले बन जाए
इशु कब बनता है? इशु मतलब विवादक कब बनता है? विवादक उसके बाद में है, वादी द्वारा बात करने के बाद में, और प्रतिवादी उसको ऐसे उपरत करेगा, उसके बाद में ऐसे विवाद। क्या इम्पोर्टेंस क्या है विवादक की? व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ इश्यूज? क्यों बनाए जाते हैं विवादक? क्यों बनाए सर विवादक बनाने का तो मुख्य उद्देश्य यही है कि उन्हीं बात कारणों पे फिर वो बात चलता है। नहीं, बात कारण तो एक अलग बात है, कॉज ऑफ एक्शन एक अलग चीज़ होगी। जो पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट होता है ना, विवाद का क्यों बनाया जाता है, ये प्रश्न है। कितने प्रकार के विवादक होते हैं? लॉ एंड फैक्ट्स, नहीं पढ़ा आपने, तथ्यों का और विधि का। अच्छा होता है ये समरी सूट, क्या होता है समरी सूट? संक्षिप्त वाद, संक्षिप्त वाद होते हैं ना, क्या होता है? अच्छा, अगर वादी ने दावा पेश किया और उसके सम्मान भेजते हैं अपन प्रतिवादी को, तामील होके आ गया वो और प्रतिवादी नहीं आता है, तो कोर्ट को क्या पावर है, क्या कर सकते हैं? एक पक्षीय डिक्री कर सकते हैं, ठीक है, और एक पक्षीय कार्रवाई में क्या अंतर है? एक पक्षीय कार्रवाई करेगा, ठीक है, उसके बाद में क्या प्रतिवादी मान लो बाद में उसे पता लगे कि मेरे खिलाफ दावा पेश हो गया है, तो उसको क्या पावर है? सर वो उसको अपास्त कराने के लिए आवेदन कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? लिमिटेशन क्या है उसका? ये संविधान की जो प्रस्तावना होती है इसका क्या है? संविधान की प्रस्तावना, संविधान का, संविधान की आत्मा है ये, संविधान के जो भी संविधान निर्माताओं के विचारों को व्यक्त करती है कि संविधान के अंदर संविधान निर्माताओं ने क्या क्या चीज रखी है, और संविधान में जब कभी भी इसके दो प्रावधानों में या किसी भी शब्द का या कहीं भी यह रहता है कि इसके अंदर संचय या उसका निर्वचन करना हो तो प्रस्तावना यानी सहायक होती है उसमें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स में क्या अंतर? तो फंडामेंटल राइट्स है उनको यानी उनका उल्लंघन पे कानूनी अधिकार हो, और फंड वो जो डायरेक्ट टू जो निर्देशक है उसको यानी उनके उल्लंघन पे अपन यानी वो कानूनी अधिकार नहीं है उसके लिए न्यायालय में। तो फिर क्यों रखा संविधान में, क्यों रखा इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? सर नीति निर्देश को लागू नहीं कर सकते तो क्या जरूरत? सर लागू नहीं कर सकते, लेकिन जैसे सरकार सरकार लोगों के लिए जो नीतियाँ बनाती है उसमें उनका ध्यान रखेगी। अगर ध्यान नहीं रखे तो क्या होगा? नहीं, कोई ध्यान नहीं रखे तो क्या कर सकते? कोई पब्लिक कर सकते कुछ कर सकते? अच्छा, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो भी चल रहा है वर्तमान में, ये क्या प्रॉब्लम? समान नागरिक संहिता का क्या होगा? समान नागरिक सभी नागरिकों के लिए विवाह संबंधित या वसीय संबंधित संपत्ति संबंधित जो वाद होते हैं उनमें एक ही कानून लागू हो, इनके लिए अलग अलग कानून लागू है। अभी कहीं पर कोई पास हुआ है यूसीसी कोड? हाँ सर, उत्तराखंड में पास। अच्छा, अभी लागू हो गया वो? सॉरी सर। ये रिमांड कितने प्रकार के? रिमांड पुलिस लेती है किस धारा में? अच्छा, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है ना उसको जो है 107 सुनने की कार्रवाई होती है, क्या कार्रवाई? 107 सुनो था ना सीआरपीसी में, ये क्या कार्रवाई? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। मतलब इसमें ये होता है जैसे कोई अपराध होने से पहले उसको अपराध होने से पहले एक निवारक के रूप में होता है,
चाकसू से हो आप, चाकसू का क्या फेमस है? मैम वापिस शीतला माता मंदिर है और ये भरतरी जो महाराज उनकी जन्मभूमि है। क्यों पूजा जाता है शीतला माता को? तो शीतला माता को एक चेचक की देवी के रूप में पूजा जाता है। और इनका जो मेला लगता है वो चैत्र अष्टमी को लगता है। आप अभियोजन विभाग में काम कर रहे हैं, मुझे सीआरपीसी का प्रोविजन बताओ, इससे रिलेटेड है क्या कोई? हाँ मैम, सेक्शन 24 24 एपीपी। हाँ एपीपी समझ में। और 24 एपीपी है क्या? नहीं, लोक अभियोजक है और 25 है वो सहायक लोक अभियोजक के बारे में बताता है और 25 ए है वो अभियोजन निदेशालय के बारे में बताता है। किसके अंडर काम करता है अभियोजन निदेशालय, किस डिपार्टमेंट में? गृह विभाग। कौन होता है इसका हेड? कौन होता है इसका? जुडिशरी से होता है। कौन होता है उसका, कोई नाम उसमें है मेंशन? अभियोजन निदेशक। अभियोजन निदेशक, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? मैम 10 साल न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में रहे हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट? मजिस्ट्रेट। अच्छा, और एपीपी का क्या होता है, उसकी भी कोई एलिजिबिलिटी दे रखी है क्या? क्या है जो सहायक अभियोजन वो लोक अभियोजक है उसके लिए 7 इयर्स वकील के रूप में न्याय कार्य किए उन्होंने। अच्छा, ये जो सीआरपीसी आई है 1973 की, इससे पहले भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट था क्या इसमें, कार्यपालक मजिस्ट्रेट? नहीं पता। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रसाद का सिद्धांत सुना? प्रसाद का सिद्धांत, प्लेजर, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर नहीं पढ़ा ही नहीं है? चलो पार्डन की पार हिंदी में क्या कहेंगे? क्षमादान की शक्ति कहाँ है? क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्राप्त है। राष्ट्रपति को कहाँ है और राज्यपाल को कहाँ है? सेक्शन है क्या कॉन्स्टिट्यूशन? सॉरी मैम, अनुच्छेद 72 के अंदर राष्ट्रपति को और गवर्नर को अनुच्छेद 161 के। क्या मृत्यु दंड के क्षमादान की शक्ति गवर्नर को, राज्यपाल को भी है क्या? नहीं लिखा हुआ है उसमें। राष्ट्रपति, केवल राष्ट्रपति को है। अच्छा, रिट के प्रकार बताओ। रिट के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ब्रह्मादेश, उच्च प्रेषण, अधिकार प्रेषण और प्रतिच्छेद। आपने एक शब्द सुना होगा दावा, सुना है? दावा और सूट और प्लेंट में क्या फर्क है, वाद और दावे में? नहीं पता। कहाँ है दावा सीपीसी में, है कहीं प्लेंट? नहीं पढ़ा। प्लीडिंग पढ़ी है, सुना है प्लीडिंग क्या होती है? अच्छा, जवाब दावा कहाँ है? आदेश वाद नहीं दावा। और जो लिखित कथन होता है वो आदेश आपको कौन देता है? लिखित कथन वादी या प्रतिवादी? प्रतिवादी देता है। और दावा कौन पेश करता है? वादी। ठीक है, ठीक। गोवर्धन, ये एलडीसी यूडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? एलडीसी क्या होते हैं, यूडीसी क्या होते हैं? लोअर डिविजनल क्लर्क। और यूडीसी? यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क। अच्छा, अभी आप चेयरमैन साहब ने आपसे एक प्रश्न पूछा था, आरोप सारांश और आरोप, ये अंतर नहीं बता पाए आप? जो कि ये तो आप यहाँ रोज होता है कि आरोप सारांश कहाँ कब सुनाया जाता है। कुछ चीज़ें हैं जहाँ सिर्फ आरोप सारांश सुनाया जाता है, जहाँ सिर्फ आरोप। अच्छा, एक चीज़ बताएं आप कि
मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और मुर्मू जी प्रेसिडेंट हैं, तो कभी ऐसा आ जाए समय कि मुर्मू जी को लगे कि मैं प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा दूं, तो वो कर सकते हैं क्या ऐसा? क्यों? राष्ट्रपति बड़ा है या प्रधानमंत्री? राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति यानी कार्यपालक कार्यपालिका में दो तरह के अध्यक्ष होते हैं, एक नाममात्र का और एक वास्तविक। नाममात्र के राष्ट्रपति है और वास्तविक जो है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को हटाने के लिए उनके मंत्रिपरिषद भंग होगी जब प्रधानमंत्री हटे। मंत्रिपरिषद भंग होगी तब हटेंगे। और मान लो उन्होंने ये एक ऑर्डर पास कर दिया कि भाई प्रधानमंत्री को हटाया जाता है, राष्ट्रपति ने अपनी सील लगा के, तो अब राष्ट्रपति का क्या होगा या प्रधानमंत्री हट जाएंगे, क्या होगा? बना दिया उन्होंने ऑर्डर ऐसे। भाई प्रावधान है ना, जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे तो उसे हटाने का, राष्ट्रपति को हटाने का आधार उत्पन्न हो जाएगा। हाँ, जब राष्ट्रपति ऐसा करने की कोशिश करे, ऐसा एक बार हुआ था, सिर्फ सोची गई थी। जब ज्ञानी जैल सिंह थे तो उन्होंने उनके राजीव गांधी से जिसे डिफरेंसेस हुए, तो उन्होंने पूछा जो लीगल के लोग थे कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं, यदि आपने ऐसा किया तो इन्हें ये राइट मिल जाएगा कि अब आपको हटाया जाना चाहिए क्योंकि आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। अतिक्रमण नहीं कर सकता राष्ट्रपति। अच्छा, जैसे आपने अभी बताया कि गवर्नर को डेथ पेनल्टी पे पार्डन करने का राइट नहीं है, क्षमादान की, तो ये कहाँ पढ़ा आपने ऐसा कि गवर्नर नहीं कर सकता? मान लो ऐसा कोई कानून है स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है जिसमें डेथ पेनल्टी के प्रोविज़न है, जैसे महाराष्ट्र में बनाया गया महाराष्ट्र को का, तो इस तरह के कोई महाराष्ट्र संगठित अपराध, तो उसमें डेथ पेनल्टी की व्यवस्था है। अब उस प्रोविज़न में डेथ पेनल्टी हुई है तो पार्डन के लिए कहाँ जाएगा फिर? पार्डन के लिए तो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पार्डन थोड़ी करती है, राष्ट्रपति के पास रचना करेगा, गवर्नर के नहीं। तो ये आप पढ़िएगा, दोनों के पावर्स को पढ़िएगा। ये राम राज्य के, अभी राम राज्य की बात रोज चर्चा में हो रही है, तो ये राम राज्य संबंधी मिलते जुलते कोई बातें, या गांधी जी का राम राज्य जिसे गांधी जी राम राज्य कहते थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या कहीं? कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी झलक मिलती है क्या कहीं? रामराज्य शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह का सपना गांधी जी सोचते थे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में है कि सरकार ऐसा ऐसे कानून ऐसे नियम बनाए। जैसे अनुच्छेद 40 में पंचायतों की स्थापना, ठीक है सर।